Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. I hope you all are doing great. So guys, मैं आ गई हूँ एक another video के साथ and ये वाली video जो होने वाली है वो होने वाली है hair care से related. So अभी recently मैंने दो product discover किए हैं but मैं product के बारे में बाद में बताऊँगी. उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे hair का texture कैसा है. So मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा frizzy and dry हैं and manageable तो बिल्कुल भी नहीं है. Extremely dry हो जाते हैं एंड से लाइक रूट टू एंड आते आते वो एकदम ही ड्राई हो जाते हैं. मैं अपने हेयर्स के लिए ऐसा कुछ ढूंढ रही थी जो कि मेरे हेयर्स को मैनेजेबल एंड ग्लॉसी शाइन प्रोवाइड करे. सो जिनके भी बाल एक्सट्रीमली ड्राई हैं या फ्रिजी हैं उनको पता होगा कि बालों को मैनेज करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है. लाइक वन डे वॉश करो, सेकेंड डे ठीक रहता है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डे के बाद तो बालों का कहना ही क्या, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिज हो जाते हैं ऐसे एंड ऐसा लगता है कि हमने हेड वॉश किया ही नहीं है. एंड ड्राइनेस की वजह से जो हमारे एंड्स हैं वो टूटते हैं, थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो यहाँ पर मैं कुछ वो लगा रही हूँ, इमेज आप देख सकते हैं कि बालों की जो स्टेज है ना, मतलब कम होने की, वो कैसे होती है कि पहले आपके बाल हेल्दी होते हैं, देन उसके बाद धीरे धीरे फ्रिजीनेस एंड ड्राइनेस होने लगती है क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, देन उसके बाद है जो हेयर हमारे थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये सेम केस मेरे साथ भी है कि मेरे बाल इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा थिन हो गए हैं, इसलिए मैंने ये नए प्रोडक्ट लिए हैं अपने हेयर्स के लिए. सो हम रिजल्ट देखेंगे आफ्टर वॉश. अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बाल कैसे हैं. सो आप देख सकते हैं ये मेरे हेयर है एंड काफ़ी ज़्यादा इस समय पर ड्राई हैं, जबकि मैंने अपना हेड वॉश एक दिन दो दिन पहले किया था एंड उसके बाद कितने ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं एंड नीचे से काफ़ी ज़्यादा थिन हो गए हैं, जबकि मैं अपने बालों को हमेशा ट्रिमिंग कराती रहती हूँ, उसके बाद भी बालों का ये हाल है. सो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी. सो आई थॉट कि जो सॉल्यूशन मैंने अपने हेयर्स के लिए लिया है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इसलिए आज की वीडियो बना रही हूँ. एंड अगेन अभी 9:30 हो रहे हैं मॉर्निंग के एंड मैं ये वीडियो इस टाइम पर शूट कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट लेने हैं, बट मैं आप लोगों के साथ इसका फीडबैक शेयर करना चाहती थी, अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करना चाहती थी. सो अभी आपने मेरे बाल देख लिए हैं अच्छे से एंड ये मेरे एक्चुअल में अभी लग रहे हैं एंड आफ्टर वॉश देखते हैं कि कैसा ही काम होता है. सो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि मैंने भी रिसेंटली कौन सा प्रोडक्ट लिया है अपने हेयर्स के लिए फॉर ड्राई एंड फ्रिजी हेयर. सो ये उन लोगों के लिए है जिनके ड्राई एंड फ्रिजी हेयर है. रिसेंटली प्लम ने ये दो चीज़ें लॉन्च की हैं. फर्स्ट वन इज़ प्लम कोकोनट मिल्क पेप्टाइड स्ट्रेंथ एंड शाइन शैम्पू है, नरिश एंड एनहेंस शाइन के लिए. एंड सेकेंड वन इज़ प्लम्स कोकोनट एंड स्कोलिन न्यूट्रीशाइन हेयर सीरम, जो कि आपके फ्रिजी हेयर्स को कंट्रोल करेगा, स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा एंड ग्लॉसी शाइन प्रोवाइड करेगा. सो ऐसी डिटेल्स अभी इन दोनों प्रोडक्ट पर मैंशन है. सो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता क्योंकि दोनों ही कॉम्बिनेशन काफ़ी सही लगे मुझे, एक शैम्पू का एंड दूसरा सिरम का. सिरम आफ्टर वॉश लगाना है पैट ड्राई हेयर्स पर एंड शैम्पू तो आपको पता है कि कैसे यूज़ करते हैं. तो ये दोनों ही न्यू लॉन्चेस थे प्लम के, सो आई थॉट कि एक ट्राई तो बनता है. एंड ये ट्राई सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे रिजल्ट दिख सके मेरे बालों पर एंड मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं. एंड अगर किसी को भी लगता है कि उनके बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी एंड ड्राई हैं तो वो इसको ट्राई कर सके, बट अभी देखते हैं रिजल्ट आफ्टर वॉश के बाद. सो अभी मैंने ऑयलिंग नहीं की हुई है अपने हेयर्स में एंड बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि मैं हेयर ऑयलिंग के लिए यूज़ करती हूँ पैराशूट का हेयर ऑयल, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई हैं एंड फ्रिजी हो जाते हैं, इसलिए मुझे माइल्ड सा ऑयल चाहिए जो कि मेरे बालों में अच्छे से लग भी जाए एंड हार्म ना पहुंचाए, इसलिए मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ. एंड मेरे हेयर्स की ग्रोथ अच्छी है बट थिन हो गए हैं टाइम के साथ, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस होता है एंड बहुत सारे प्रोडक्ट कभी कभी यूज़ करने की वजह से भी. सो अभी मैंने कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, मैं बालों में कोई भी कंडीशनर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ ये दोनों प्रोडक्ट ही यूज़ करूँगी एंड उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे कि कैसा आता है. सो अगर आपके बालों के साथ भी सेम सिचुएशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपने बालों के लिए. सो अभी जल्दी से हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं एंड हेयर ऑयलिंग करने के 30 मिनट्स के बाद मैं अपने हेड को वॉश करूँगी एंड देन उसके बाद रिजल्ट देखेंगे. सो यार अभी देख सकते हैं काफ़ी फ्रिजी हैं मेरे बाल, तो चलिए हेयर ऑयलिंग करते हैं. आई नो बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे हेयर्स की ये प्रॉब्लम. सो जल्दी से लगा लेते हैं. सीरियसली समर्स हैं बस उसके बावजूद बाल इतने फ्रिजी एंड टूट भी बहुत रहे हैं. सो
हेयर फॉल को कंट्रोल भी करेगा ये, लेट्स सी। एंड्स पे ऑयल लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे एंड्स ज़्यादा फ्रिज होते हैं, ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। तो यहाँ अच्छे से अप्लाई करना है, अच्छे से ना फिंगर से मसाज करनी चाहिए सर में, ताकि जो हमारा हेड का ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे एंड हेयर ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो अच्छे से इसको करना है। सो या हेयर ऑयलिंग कंप्लीट हो गई है। सो बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रोडक्ट की डिटेल्स के बारे में। सो इस शैम्पू का जो प्राइस है वो है 349 रुपीज़, एंड इसमें आपको 250 ml की ये बॉटल मिल जाती है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी है इस अमाउंट में। बट मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने कॉमेंट सेक्शन में अपना कोड एंड लिंक मैंशन कर रखा है एंड डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आप मेरे दिए हुए कोड के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा प्लम की वेबसाइट से। बात करें इस सीरम की तो इसका प्राइस है 475 रुपीज़, एंड 475 रुपीज़ में आपको 75 ml की सीरम की बॉटल मिल जाती है। सो ये कुछ इस तरीके की सीरम है गाइस, एंड पम्प पैकेजिंग के साथ आती है, यूज़ करना काफ़ी ईजी है। सो ये प्रोडक्ट भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अगेन आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर ये मिल जाएगा। सो या वेट करते हैं एंड देन वॉश करके मैं आपसे मिलती हूँ वीडियो में आगे। सो गाइस मैं आफ्टर वॉश आ गई हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने हेड को है ना वॉश किया है प्लम के शैम्पू से, एंड ट्रस्ट मी गाइस इतना क्रीमी फॉर्मूला है एंड फ्रेग्रेंस ऐसी है जैसे बेबी जॉनसन्स की होती है ना शैम्पू की, बेबीज़ के लिए शैम्पू बनता है वैसी फ्रेग्रेंस, एकदम माइल्ड सॉरी, और टेक्स्चर इतना ज़्यादा क्रीमी है। एंड अप्लाई करने के बाद एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई कि जब मैं वॉश कर रही थी हेयर, देन हेयर जो काफ़ी स्मूथ लग रहे थे जस्ट फर्स्ट वॉश से, एंड लुक अभी मैंने सिरम नहीं लगाया है एंड मेरे बाल अभी भी शाइन कर रहे हैं, एंड आई लव दिस टेक्स्चर गाइस, बहुत ही मस्त है शैम्पू। शैम्पू मुझे काफ़ी पसंद आया है। तो हम वेट करेंगे इसकी थोड़ा सा वेट होने का, ताकि हम इस पर सिरम अप्लाई कर सकें, क्योंकि सिरम को पैट ड्राई टॉवल ड्राई हेयर्स पर ही अप्लाई करना है। सो या इसको हम सूखने देंगे एंड कॉम नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी बाल गीले होते हैं उनको कॉम नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो और ज़्यादा टूटते हैं एंड कमज़ोर होते हैं एंड एंड से भी। सो या एंड लेट्स सी कि ड्राई होने के बाद बालों का क्या होता है, क्योंकि आपने मेरी बिफोर वाली देख ली है एंड आफ्टर वाली अब आप देख रहे हैं। सो वेट करते हैं इसके ड्राई होने का। सो गाइज ऑलमोस्ट मेरे हेयर्स जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं, एंड अब हमें अपने हेयर्स पर सिरम लगाना है। सो सिरम मैं लगाऊंगी मिड हेयर से लेकर एंड तक सिरम को लगाऊंगी, जिससे कि मेरी जो भी फ्रीजीनेस एंड्स में है वो ख़त्म हो जाए एंड बाल स्मूथ एंड ग्लॉसी लगे। सो अभी मैंने सिर्फ वॉश करके कुछ भी नहीं लगाया, तो आप देख सकते हैं कि शैम्पू का कितना सही रिजल्ट मिला है। सो ये सिरम मुझे पता है क्यों पसंद है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी लाइट है, लाइक नो चिपचिप, एंड फ्रेग्रेंस ओह माय गॉड फ्रेग्रेंस तो बहुत ही सही है। दोनों हाथों में रब करके मिड लेंथ से नीचे की तरफ यानी एंड पर अच्छे से अप्लाई करना है सिरम को, एंड अच्छे से मिक्सअप करना है हेयर्स के अंदर। वाओ हेयर्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की लग रहे हैं, लाइक लिटरली। सो देख सकते हैं कोई भी चिपचिपापन नहीं है एंड हेयर्स कितने ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं, लाइक लिटरली। अभी मैंने कॉम नहीं किया है एंड अब भी इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सो ये सीरम भी मुझे काफ़ी पसंद आया एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंसी बहुत ही लाइट है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करता, एंड ऐसा कुछ नहीं कि बाल एकदम चिपकू से हो जाएंगे, नो बिल्कुल भी नहीं। सो जिनकी ऑयली स्कैल्प है या ऑयली हेयर है ना, वो भी इस सीरम को ट्राई कर सकते हैं। सो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई ताकि मैं आपको इन दोनों प्रोडक्ट का अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूँ। सो गाइज लिटरली बहुत ही अच्छा वर्क किया है, लाइक देख सकते हैं आप, मुझे मेरे बाल बहुत ही सही लग रहे हैं, एंड आप ही आपको दिख गया होगा कि वन टाइम वॉश में इसने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, तो कंटिन्यू जब मैं इसे वॉश करूँगी तो मेरे बाल कितने अच्छे हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा बाउंसी एंड ग्लॉसी लग रहे हैं। सो आई होप कि आज की ये रिव्यू वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड आपको इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। बाय द वे जो भी प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी एंड नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बेल बटन को हिट कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।